और अब मैं गुजारिश करूंगा वाइस प्रेसिडेंट आईसीसीआई जनाब इंजीनियर अजहरुल इस्लाम जफर से कि आप तशरीफ लाएं और वोट ऑफ थैंक्स करें। जनाब इंजीनियर अजहरुल इस्लाम जफर। जनाब मोहतरमा निशाल हुसैन मलक साहिबा, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जनाब मोहतरमा जनाबा मोहतरमा सबीन हुसैन मलक साहिबा, जनाब अजमेर बलोच साहब, जनाब नवीद मलक साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबरान, बाकी हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो दिन है 5 फरवरी जो हम यकजहती कश्मीर पे मनाते हैं, तो जैसे सब ने कहा कि कश्मीर एक पाकिस्तान की शहरग है और एक जलता हुआ अलाव है जो कि दुनिया को कल अपनी लपेट में ले सकता है। जैसे आज गजा में जुल्म हो रहा है और कोई भी मुल्क का या कोई भी इंक्लूडिंग इक्वामे मुतहता उसको रोकने में नाकाम है, तो मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि कमजोर कौमें कभी दुनिया में रेजिस्ट नहीं कर सकती। हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। तारीख के तालिब इल्म के तौर पे मैंने तो यही देखा है कि दुनिया हमेशा ताकतवर की रही है, दुनिया में कमजोर की कोई वैल्यू नहीं रही पूरी तारीख में। आप पूरी तारीख उठा के देख लें, जिसने भी ताकत हासिल की उसने बाकी दुनिया को रोन दिया, चाहे उसमें वो मुसलमान था या गैर मुसलमान था, उसमें कोई तफरीक नहीं है, पूरी हिस्ट्री में देख लें। तो मैं हमेशा की तरह आज भी कहता हूं, उठें हम सब अपने आप को मजबूत करें, एक कौम बने, हम इलम हासिल करें, हम टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे लेके जाएं, ताकि हम दुनिया में खुददार कौम के तौर पर जाने जा सकें। बदकिस्मती से इस वक्त हम दुनिया में खुददार कौम के तौर पर जाने नहीं जा रहे। जिस तरह आज फलस्तीन के साथ हो रहा है, अगर यही हमारी हालत रही तो कल कश्मीर के साथ भी ऐसा ही होगा, और हम सिर्फ ढोलकियां बजाएंगे और दूर से खड़े होकर सिर्फ बातें करेंगे। आप खुद ही देख लें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला भी दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसराइल के कान पर जूं तक नहीं रिंगी। क्यों रिंगेगी? एक ताकतवर को हमेशा से एक दुनिया का असूल रहा है, माइट इज राइट। दुनिया हमेशा ताकतवरों के साथ है, ये तस्लीम करना पड़ेगा हमें, और हमें अपने आप को ताकतवर करना पड़ेगा। बगैर ताकत के कुछ नहीं है, ये जिंदगी में देख लें। मुसलमानों ने भी उस वक्त अरूज हासिल किया जब उनके हाथ में ताकत आई। तैमूर क्यों दुनिया पे छा गया, जिसको तैमूर द ग्रेट कहा गया, क्योंकि उसने सबसे पहले बारूद इस बनाना और इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इसलिए मेरी अबाबे इख्तियार से और आप सबसे भी गुजारिश है कि खुदारा अपने आप को मजबूत करें, इलम हासिल करें, टेक्नोलॉजी में जाएं, क्योंकि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, आज का दौर कोई और तर नहीं है। जब तक हम टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ तालियां बजाने वालों में से होंगे, और जो कौमें तालियां बजाने वालों में से होती हैं वो बस उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। खुदारा इस चीज को समझें, मुत्तहिद हो। आज हम में जो तफरीक है, ये तफरीक होगी तो हम और टूट जाएंगे। मैं अपने बारबाबे इख्तियार से भी गुजारिश करता हूं कि इसको एक कौम बनाए, क्योंकि हम 71 का सालिया अभी तक भूल नहीं सके और ना भूला जा सकता है। हम सब एक कौम बने, ये अलामा इकबाल का ख्वाब और कायदे आजम का जो उन्होंने ये मुल्क बनाया,